हेलो गाइस, लेकर आ गए दिसंबर से 400 प्लस कैसे कर सकते हैं। आपको फेक लेकर का नहीं, रियल बताएंगे। आपको टेंशन मत लीजिए, बस आपके साथ अगर 5 मिनट टाइम है तो प्लीज आप यहां पर देने की प्रयास कीजिए, क्योंकि कभी कभी आप कम पढ़ने वाला स्टूडेंट भी अच्छा नंबर ला पाता है। इसका रीजन होता है कि वह आउटी बात पर भी ध्यान देता है, ऐसा नहीं कि खाली पढ़ते जा रहे, और कुछ बातों को समझना भी जरूरी होता है कि कैसे करना है 400 प्लस, कैसे क्वेश्चन का जवाब देना है, कौन क्वेश्चन को पढ़ना है। तो यहां पर दिसंबर से 400 प्लस करना है, यानी कि आपके पास मात्र 30 से 40 दिन बचा हुआ है, इसमें आपको 400 प्लस करना है। कैसे करना है, क्या पढ़ना है, फुली जानकारी देंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े उसके लिए भी, जो पूरा कमजोर स्टूडेंट है उसके लिए भी, यह 2023 एग्जाम के लिए है, इंटर के लिए लास्ट मौका, यह मौका गंवाना नहीं है। बस 5 मिनट दीजिए, आपको समझा देंगे अच्छा तरीके से, ठीक ना। चलिए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। पहले समझिएगा, उसके बाद कुछ निर्णय लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। देखिए, इंटर एग्जाम में 400 प्लस पक्का आएंगे, लेकिन उसके लिए कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले बात, आप कितना क्वेश्चन को याद कर सकते हैं, या आप सबसे पहले आपको यहाँ पे थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए, उसके बाद आपको समझाएंगे प्लीज। देखिए, आपको फिजिक्स का बात करें तो उसमें आपको पूरा चैप्टर 15 पढ़ना है, 15 चैप्टर पढ़ना है। उसमें से आपको टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन बैंक और आपको एनसीईआरटी बुक से निकाला गया क्वेश्चन, आपको 350 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हर चैप्टर से आपको 20 से 25 ऑब्जेक्टिव निकाला गया क्वेश्चन देंगे फिजिक्स का, जिसमें आपको 350 ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक ना। शॉर्ट क्वेश्चन, जिसको लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर बोलते हैं, जिसको 2 मार्क्स में पूछा जाता है, वो आपको फिजिक्स का पूरा चैप्टर से निकाला गया क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन बैंक और आपको एनसीईआरटी बुक से निकाला गया क्वेश्चन, जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछने की संभावना होता है, पूछाता ही है, उससे आपको 100 शॉर्ट क्वेश्चन देंगे, 2 नंबर वाला क्वेश्चन। साथ में आपको 20 लॉन्ग क्वेश्चन, सभी के आंसर डिफिनेशन के साथ मिलेगा, फिजिक्स का भी 20 लॉन्ग क्वेश्चन, उसके लिए आपको प्राइस लिखा गया है। आपको समझाते हैं कैसे कैसे, पहले समझ लीजिए, ठीक ना। केमिस्ट्री का भी आपको 350 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, 100 शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाएगा, 20 लॉन्ग क्वेश्चन। साथ में आपको ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी आपको पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, इसके लिए 150 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से बायोलॉजी भी है, मैथ्स भी है और हिंदी भी है, तो बायोलॉजी का भी देख सकते हैं, बायोलॉजी का 350 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 20 लॉन्ग क्वेश्चन, 150 लिखा हुआ है। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपको तो 300 ऑब्जेक्टिव आपका बुक का होगा, प्लस 200 आपको ग्रामर का होगा, हिंदी ग्रामर जो होता है, व्याकरण जो होता है उसका, टोटल मिलाकर 500 ऑब्जेक्टिव हुआ और 50 शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपको मात्र वहां पे 5 शॉर्ट क्वेश्चन का जवाब देना होता है, 50 कम नहीं होता है, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताएंगे कि क्या गारंटी की लड़ जाएगा, समझाएंगे, टेंशन मत लीजिए, क्या गारंटी की लड़ जाएगा, आपका सवाल उठेगा भाई, बिल्कुल आपके मन में सवाल उठना चाहिए कि क्या गारंटी की लड़ जाएगा, ठीक ना। तो ये 150 शॉर्ट क्वेश्चन, 25 लॉन्ग क्वेश्चन, 150, उस प्रकार से मैथ्स 200 ऑब्जेक्टिव, 100 शॉर्ट क्वेश्चन, 60 लॉन्ग क्वेश्चन मिलेगा, ठीक ना। यह आपका हुआ, इतना क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ेगा। अब बोलिएगा, सर इतना पढ़ने से कैसे आ सकता है, क्या गारंटी है कि आ सकता है, तो आपको समझाते हैं। उसके लिए पहले क्या करना है, टोटल प्राइस, देखिए मैथ्स या बायोलॉजी कोई एक लेता है, सबसे पहले समझा देते हैं, मैथ्स या बायोलॉजी कोई एक लेता है, इसे एक 5 है, टोटल 5 हुआ, लेकिन आपको 4 सब्जेक्ट ही मिल पाएगा, क्योंकि आपको मैथ्स या बायोलॉजी कोई एक ही लीजिएगा, कोई कोई दोनों लेना चाहता है, तो आपको टोटल 600 रुपया होता है, 4 सब्जेक्ट का 600 होता है, मैथ्स या बायोलॉजी कोई एक, तो यहाँ पे टोटल 4 सब्जेक्ट का 600 होता है, लेकिन आपको ऑफर चल रहा है, डिस्काउंट चल रहा है, ठीक ना। तो मात्र 399 में आपको सब प्रोवाइड करा देगा, सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, उसके लिए हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपको समझा रहे हैं, हमारे इस नंबर पर संपर्क कॉल या मैसेज कर सकते हैं, और आपका जब पीडीएफ परचेज करते हैं तो आपका नंबर व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड रहता है, वहां से एग्जाम तक हेल्प किया जाता है, और एग्जाम से क्वेश्चन जो भी पहले आएगा वो आपको ग्रुप में ही मिलेगा, वो उसी को मिलता है जो पीडीएफ परचेज करता है, ठीक ना। पेमेंट करना है तो इस स्कैनर पर पेमेंट कर सकते हैं, या इस नंबर पर पेमेंट करके व्हाट्सएप आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं, उसके बाद आप पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा, नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब बोलिएगा कि कैसे यहाँ पे यह गारंटी है कि इतना में आ जाएगा। सबसे पहला बात आपको समझाता हूँ इस बात को, ठीक ना, कि क्या गारंटी है। सबसे पहले बात, हमारा एक्सपीरियंस बहुत दिनों का है, हम लगभग 2019 से ऑनलाइन में यह पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और हर साल इसका लगभग हर साल 10,000 प्लस स्टूडेंट का 400 प्लस आता ही है, तो आता ही है सिर्फ इतना पढ़कर, ठीक ना। हर साल हम कुछ ना कुछ नया अपडेट करने के प्रयास करते हैं, हर साल आपके लिए बेहतर करने के प्रयास करते हैं, ठीक ना। तो उसमें कैसे, अगर आप बताओ कि कोई चैप्टर से, सपोज डेट फर्स्ट चैप्टर मान लेते हैं फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या विद्युत आवेश क्षेत्र कहते हैं, 2 चैप्टर मिलाकर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बनता है, तो मान लो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड यानी कि विद्युत आवेश क्षेत्र, उससे आपको मात्र 25 क्वेश्चन याद करो। अब यह जरूरी नहीं है कि आपको 50 क्वेश्चन, उससे कितना क्वेश्चन, आपको 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव, बताइए 2 क्वेश्चन के लिए आपको 25 क्वेश्चन कम लगता है। 50 क्वेश्चन मत याद करो यार, मात्र 25 याद करो, लेकिन इंपॉर्टेंट याद करो।
क्या आप 350 ऑब्जेक्टिव से ज्यादा अपने दिमाग में याद कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते हो, मेरा ये गारंटी है। आपको लगेगा कि हम हजार क्वेश्चन याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपको कंफ्यूजिंग डालेगा एग्जाम में जाकर, कंफ्यूज हो जाइएगा भाई आंसर यह होगा क्या होगा। इसलिए आपको 300 से 350 ऑब्जेक्टिव आपको पूरा कंफर्म याद रखना है। तो अब बताइए, अगर मान बाय चांस हमसे नहीं लेते, हमसे आप नहीं लिए किसी और से ले लिए, कोई दिक्कत नहीं, या आप खुद से याद किए, लेकिन इतना तो याद करना पड़ेगा ना, और दिमाग आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन आपको याद नहीं रख सकता है, मेरा यह दावा है, ठीक ना। इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन याद नहीं रह सकता ना उस एग्जाम में, तो कंफर्म की बात कर रहे हैं। ऐसे आउटी तो मतलब पढ़ने के लिए सब हजारों पढ़ सकते हैं, लेकिन कंफर्म याद करने के बाद, ठीक ना, तो इससे ज्यादा याद भी नहीं कर सकते आप, और इतना आपको याद करना मजबूरी है एग्जाम में जाकर। एग्जाम में जाने से पहले आपको इतना याद करना जरूरी है, तो अपने से याद करिएगा से, और कोई आपको एक्सपीरियंस वाला टीचर दे रहा है से, कौन ज्यादा फायदामंद होगा, समझिए। इतना याद करना आपका मजबूरी है, अब खुद से याद करके तो क्या गारंटी, आप खुद से याद करके जा रहे हो उसमें से आ जाएगा क्वेश्चन, कोई गारंटी नहीं है, हाँ या नहीं बोलो, एक बार नहीं है तो वही जब एक्सपीरियंस वाला टीचर दे रहा है तो उसका ज्यादा संभावना है, तो इसलिए एक्सपीरियंस जिसके पास है उससे लेने के प्रयास कीजिए। लाखों पढ़ रहे हैं आप, 115,000 प्लस स्टूडेंट पढ़ रहा है, आप भी ज्वाइन हो सकते हैं, आप भी ले सकते हैं। तो मात्र 350 सब्जेक्टिव 100 शॉर्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या इससे ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन याद कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि इससे ज्यादा हमारा दिमाग याद नहीं कर सकता, अगर हमसे नहीं लेंगे किसी और से लेंगे, चाहे खुद से याद करेंगे, तो क्या गारंटी कि जब आप खुद से पढ़ रहे हो, खुद से याद कर रहे हो, तो आ जाएगा वो क्वेश्चन, नहीं ना गारंटी है। लेकिन जब कोई एक्सपीरियंस जहां पर लाखों स्टूडेंटों को टीच कर रहा है, पढ़ा रहा है, लाखों स्टूडेंट ले रहा है, यहां तक टीचर लोग भी हमसे ले रहे हैं, तो उसका एक्सपीरियंस ज्यादा फायदामंद होगा कि अपने से खुद ले रहे हैं उसका फायदामंद होगा। इसलिए किसी टीचर का, किसी एक्सपीरियंस वाले का लीजिए जो आपको फायदामंद होगा, ठीक ना। तो आप बिल्कुल 100 शॉर्ट क्वेश्चन लीजिए, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। 20 लॉन्ग क्वेश्चन, क्या 20 लॉन्ग क्वेश्चन कम लगता है? उससे ज्यादा क्वेश्चन आप याद ही नहीं कर सकते हैं, इतना मेरा दावा है। इतना मजबूरी है आपको याद करना, कैसे होने कैसे आपको याद करके एग्जाम में जाना ही है। 20 लॉन्ग क्वेश्चन आप कम से कम याद करके जाइएगा ना एग्जाम में। अब बताइए, इससे कम अगर याद करके नहीं जा सकते, इतना जाना है, तो क्या गारंटी जब आप खुद से याद कर रहे हो, तो कौन कौन क्वेश्चन 20 को पूरा लीजिएगा, तो क्या गारंटी उसमें से आ जाएगा? और हम देंगे सेलेक्ट करके, तो आपको उससे ज्यादा संभावना है, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस है हर साल देने का, इसलिए वो ज्यादा लड़ने का चांस है, और लड़ता ही है, चांस नहीं लड़ता ही है। इसलिए आप इससे 80% प्लस आराम से इतना पढ़कर कर सकते हैं, इजी तरीका से आराम से आप लेने के प्रयास कीजिए। ओनली 399 में ऑफर ही ऑफर है, ओनली 399 में कॉन्टेक्ट करके लेने के प्रयास कीजिए, और दिसंबर से पढ़ना शुरू कीजिए। मात्र यह आपको 15 दिन का कोर्स है, किस अनुसार से याद करना है ग्रुप के माध्यम से बताया जाएगा, और एग्जाम तक हेल्प किया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार कॉल या मैसेज करने का प्रयास कीजिएगा और लेने के प्रयास कीजिएगा। देखिए, आपको भी पता है अभी नोट्स उस कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से ले सकते हैं। और आपको मार्कशीट देखना है स्टूडेंटों को, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे आपको 10,000 स्टूडेंट का मार्कशीट पोस्ट कर दिया जाएगा, जो कि सबका 400 प्लस है। आपको इतना मेहनत करना है, आउटी कुछ होगा जो कि आपको हमको लगेगा कि इंपॉर्टेंट है, तो वह व्हाट्सएप ग्रुप में आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। रिएक्शन हुआ, चाहे आपको कुछ भी हुआ, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा जाता है, ठीक है ना। तो प्लीज आप लेने के प्रयास कीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदामंद होगा। इससे आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कहीं अच्छा से नहीं मिलने वाला है, फुली आपको एनसीईआरटी और क्वेश्चन बैंक से निकाला गया क्वेश्चन है। चलिए, थैंक यू।